खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री किशन कपूर ने युवाओं से अपने वास्तविक क्षमता पहचानने और नए भारत के निर्माण के लिए समर्पण से कार्य में जुटने का आह्वान किया। किशन कपूर भारतीय स्काउट्स एंड गाइड हिमाचल प्रदेश के राज्य स्तरीय रोवर एंड रेंजर्स मीट 2017-18 के उद्घाटन समारोह की अध्यक्षता कर रहे थे। अपने संबोधन में उन्होंने कहा कि आज के बालक बालिका देश का उज्जवल कल हैं और एक आदर्श समाज, उन्नत प्रदेश एवं सशक्त व समृद्ध राष्ट्र के निर्माण में युवाओं का योगदान सबसे महत्वपूर्ण है। खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री ने कहा कि हिमाचल सरकार युवाओं के कौशल विकास के लिए प्रतिबद्ध है। युवा प्रतिभाओं को उपयुक्त मंच एवं पर्याप्त अवसर प्रदान करने के लिए विशेष प्रयास करने पर भी बल दे रही है। उन्होंने भ्रष्टाचार मुक्त शासन के प्रति प्रदेश सरकार की प्रतिबद्धता दोहराते हुए कहा कि किसी भी स्तर पर भ्रष्टाचार बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। उन्होंने स्वच्छ एवं अनुकरणीय शासन के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तारीफ की और कहा कि प्रधानमंत्री के समर्थ नेतृत्व में विश्व भर में भारत का रुतबा बढ़ा है। उन्होंने कहा कि स्काउट्स एंड गाइड सामाजिक कल्याण के क्षेत्र में जिस समर्पण से कार्य करते हैं वे सभी के लिए अनुकरणीय है। उन्होंने स्काउट्स एंड गाइड की विपरीत परिस्थितियों व प्राकृतिक आपदाओं के दौरान दी जाने वाली सेवाओं की सराहना भी की। इस मौके पर डॉक्टर देवेंद्र कश्यप ने भारत स्काउट्स एंड गाइड हिमाचल प्रदेश की गतिविधियों का ब्यौरा भी प्रस्तुत किया। सबसे पहले तो प्रदेश से आए हुए सभी जो यहाँ बच्चे आए हैं और सभी अध्यापक और प्रधानाचार्य, उन सबका मैं धर्मशाला के नागरिक होने के नाते आप सबका हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करता हूं। धर्मशाला की जनता की ओर से बच्चों, मैं संदेश देना, भारत का कल आप, भारत का भविष्य आप और आपने कितनी क्षमता है आप अपनी शक्ति को पहचान। जैसे कुरुक्षेत्र की रणभूमि में अर्जुन की क्षमता का ज्ञान कृष्ण ने करवाया था, आज कृष्ण आपको ज्ञान दे रहा है आप अपनी क्षमता को पहचान।